Hi guys, welcome back to the new vlog. This is Jyoti Soni Chadda and today is the wedding day and hum yahan par Aishi ke liye. This is something that Nav has done. Bahut hi sundar lag raha hai. Iske niche tape laga dun dono ke niche. Haan ji. Kal kitni dhamal kari hai Nav ne. Akka dhamal. बदनाम करने की साजिश. चलो कोई नहीं, आज वेडिंग में पता लगेगा. मेरी वजह से तो ग्लैमर था. आयुषी सुन रही हो? ब्राइट तुम हो. बट मेरे हस्बैंड जी को लगता है कि ग्लैमर नफ के वजह से था. ऐसा था क्या? पकड़ पकड़ कर मारेगी वो हमें. Perfect. सही गया ना? आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सही. एंड दिस इज माय मेहंदी. देखो नव. नाम तो सुना ही होगा. गोइंग टू आयुषी'स हाउस. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. आयुषी से मिलने के बाद मैं डायरेक्ट सैलून चली गई थी सो दैट मैं अपना हेयर स्टाइल बनवा लूँ, बिकॉज मेकअप तो मुझे खुद से करना था बट हेयर स्टाइल वॉज समथिंग जो कि मुझे हेल्प चाहिए होता है. सो दिस वॉज द हेयर स्टाइल. बड़ा सिंपल सा था, ट्रेडिशनल मैंने थोड़ा लुक रखा था बट इट वॉज सो गुड. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. इसके बाद डायरेक्ट हम वेन्यू तैयार होकर चले गए थे. नेक्स्ट क्लिप आप आयुषी का देखोगे. देखा लड़कों के लिए भी कितना मुश्किल है शादी का टाइप. सो यस, हमने जूते चोरी पहले ही कर लिए थे विपिन के. सो बट देन ऑल्सो ही मेड श्योर कि आयुषी को वो बहुत स्पेशल फील करवाए. ही डिड द डांस परफॉर्मेंस. दिस वॉज द ग्रूम्स एंट्री एंड इट वॉज सो गुड. बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करा और जितना था उतने में ही करा उसने. सो इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस. और ये रहा ब्राइडल एंट्री. आयुषी आ गई थी एंड अपने फैमिली के साथ शी वॉज स्टैंडिंग वेटिंग फॉर विपिन टू कम. और अभी देखना कैसे विपिन आकर कितने प्यार से अपने फादर इन लॉ से पूछता है, दैट इज आयुषी के पापा, दैट ले जाओ मैं आयुषी को ले जाओ. सो एंड हियर बिगिंस द मैरिज सेरेमनी. हो जाए ये मस्ती करवा लेगा.
विपिन जल्दी से जल्दी गा दो जल्दी। ऐसे तू सोच ले इतने, विपिन तुम गाओ। हाँ वो हो वाओ वाओ। चलो चलो यस यस प्लीज कुछ भी कोई भी गा ले। उन्होंने भी ऐसे ही गा दिया कुछ भी। आज कल जमीन पर नहीं नहीं कोई भी गाले अच्छा सा ऐशी ऐशी वो गाले ना तेरा दूसरा एंट्री वाला गाना कौन सा था? अरे वो तो नहीं, नहीं। अरे गा दे कुछ भी। टाइम आउट होने वाला है जल्दी। टाइम टिक टिक वन टिम टिक टिक टू। अरे गर्दन नहीं वेरी गुड तुमसे चलो ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने। देखो आपके पास में मौका है बेटा, लेकिन चीज ऐसी मांगना जो है तुम बोलो मुझे चार दिला दो कहाँ से लाए हो? मांगना जो अवेलेबल हो दिया बीएमडब्ल्यू के लिए मत लड़ना तू। भी ऐसी मांग ले अभी टाइम है, अभी नहीं मांगना है, लाइफ में बोल रहे हैं वो। आप पहले आपको मौका मिलेगा ना टाइम तो ही आपने गलत मांग लिया। आज दे दो आज अग्नि हम सत्याजगत में थे, अगर टाइम ही रहेगा तो फिर भोजन की व्यवस्था खराब हो जाएगा। मतलब अपने लिए टाइम और कॉपी के लिए टाइम, मतलब दोनों तरफ टाइम ना। आप 100% अचीव करोगे तो एक ही तरह अचीव होगा ना। पहले 50% पढ़ दो ना, मैंने 50 यही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा ऐसी चीज मत मांगना तो बाद में दुखदाई हो। मुझे तो बोला था कि मैं 100% टाइम दूंगा, तुम्हें सब तो मिल गया है, क्या कर लिया और मांग के दोस्तों के लिए मांग कुछ मांग। विपिन तुम्हें सब मिल गया है, छोड़ दो। आराम से बता कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा मौका। टाइम बोल रहा है ओहो ये। हाँ जी हाँ जी आप ले लो ले लो ले लो। ऐसे
डाल के निकाल दिया आयशी अच्छे से कर अच्छे से थोड़ा खड़े हो जाओ आपकी रिंग फिंगर कहाँ है हाँ वही तो ये रिंग आपको कब मैरिज मीटिंग होगी